सलामो अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार रसमलाई। तो उसके लिए मेरे पास ये 1 लीटर दूध था, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के उसे गर्म करके दही डालना डाल के फिर मैंने ये दूध को अच्छे से यानी के फाट के ये तैयार कर लिया। इसे आप पनीर भी कह सकते हैं, फ्रेश पनीर भी कह सकते हैं। तो इससे मैं बनाऊंगी रसमलाई। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम ताज़ा फ्रेश घर का बना हुआ पनीर है, 4 अदद सब्ज़ इलायची है जिसको मैंने हल्का सा बारीक कर लिया, 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 कप चीनी है जिसका मैं शीरा बना के दो कप पानी डाल के, तो जब ये तैयार हो जाएंगे रसमलाई की पेड़े तो उसको अच्छे से पका लूँगी। साथ ही मेरे पास चीनी है जो मैं दूध में शामिल करूँगी, और इसके अलावा 1.5 लीटर दूध हम इस्तेमाल करेंगे रसमलाई का जो हमने मिक्सर तैयार करना है उसके लिए, जिसमें इसको हमने यानी कि डुबो के अच्छे से तैयार करना है डिप करके। तो चले अब शुरू करते हैं। सिंपली मैं हाथ की मदद से, ये देखे मैंने इसका सारा पानी जब वो फट गया, दूध अच्छे से मैंने फाड़ लिया तो उसको मैंने उसका पानी मैंने जाली में डाल के अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसको निचोड़ने के लिए रख दिया। जब इसका सारा पानी अच्छे से निचड़ गया तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। तो अब ये तैयार है। तो इस तरह मैं इसको मसल मसल के अच्छे से एक नरम मुलायम और इसे यकजान कर लूँगी इसी तरह हाथ की मदद से। बहुत ही मज़े की ये रसमलाई तैयार होती है। तो स्पेशली रमज़ान में अफ्तार में कुछ मीठा खाने को भी दिल चाहता है, तो जब आपका दिल चाहे तो आप इसे शौक से बनाएं और खाएं। इसे मुझे तकरीबन करते हुए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो मैं इसे अच्छे से इसी तरह करूँगी और इसको यकजान कर लूँगी। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, इसमें कोई यानी कि मुश्किल नहीं है, आप इसे बआसानी घर पे तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से करती हूँ। इंशाल्लाह हाथ से मैंने मसलते हुए तमाम मिक्सचर को अच्छे से तैयार कर लिया। तो अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसी तरह सेम प्रोसीजर जिस तरह पहले किया, हाथ से मसलते हुए। थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो रसमलाई का पेड़ा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो, टूटने ना पाए। अब ये माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं, देखिए कितनी शाइनी सी इसकी लुक है और अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसके पेड़े तैयार कर लूँगी।
तो इस तरह से आपने इस तरह से इसको सेंटर में रखते हुए थोड़ा सा दबाकर इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना। इसी तरह से मैं तमाम पेड़े अच्छे से तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मैंने तमाम रसमलाई के पेड़े अच्छे से तैयार कर लिए। अब मैं इसको, ये मेरे पास 1 कप चीनी है तो 2 कप पानी या 2.5 कप पानी डाल के मैं इसको उसमें अच्छे से पका लूँगी। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है तो अब मैं दूध वाले मिक्सचर को तैयार करती हूँ, साथ ही मैं इसको भी अच्छे से तैयार कर लूँगी। दूध को मैंने यानी कि दरमियानी फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। अब ये जब अच्छे से पकेगा फिर इसमें चीनी, इलायची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। मुझे इसे इतना ही पकाना है रसमलाई के लिए कि ज़्यादा मुझे इसे गाढ़ा नहीं करना, तो इसे अच्छे से पकाती हूँ। दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है तो इस स्टेज पे मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी, इलायची पाउडर शामिल कर दूँगी, इलायची जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा क्रश कर लिया, मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, साथ ही मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को मैं मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट और अच्छे से तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखे दूध को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट अच्छे से हो गए। तो अब ये गाढ़ा हो गया, इतना ही हमें चाहिए था, ज़्यादा नहीं करना। तो अब मैं इसमें बादाम शामिल कर दूँगी, डाल दूँगी। मिक्स करूँगी, मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट और पका लूँगी, फिर इसे एक अलग से बाउल में निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए दूध हमारा जो रसमलाई का है वो अच्छे से तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे एक अलग से बाउल में निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। दूध को इस बाउल में डाल देंगे, और थोड़ी देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख देंगे। मेरे पास 2.5 कप पानी है तो ये देखिए इसमें ये 1 कप भर के मैंने चीनी डाल दी। तो इसका अच्छे से सिरा तैयार करेंगे। जब इसका शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें हम अपने पेड़े डाल के अच्छे से उसमें चीनी शामिल कर लेंगे, इसको उसको पका लेंगे अच्छे से। जो हमारे पेड़े हैं उसको फिर इसमें इस शीरे में अच्छे से पका लेंगे। शीरा अच्छे से तैयार हो गया तो अब मैं इसमें पेड़े शामिल करूँगी, डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, इसी तरह 3 मिनट के बाद मैं इसको फिर साइड को टर्न करूँगी, तो इसके पकने का इंतज़ार करते हैं। रसमलाई के पेड़े को पकते हुए 3 मिनट हो गए तो अब मैंने इसकी साइड को टर्न कर दिया। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी
और मज़ीद इसे 5 मिनट अच्छे से इसी तरह पका लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें पेड़े को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें फूल के कितनी प्यारी इनकी जो लुक है वो हो गई है तैयार। तो दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे से पकाकर तैयार कर लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसका अच्छे से पानी छोड़ के फिर इसको ठंडा करके दूध वाले मिक्सचर में शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रसमलाई के तमाम पेड़ों को मैंने यानी कि निकाल लिया। इसमें जो चीनी है वो भी अच्छे से शामिल हो गई तो इसने सारी इसके अंदर जज़ब हो गई। अच्छे से मैंने शुगर वाले यानी कि मिक्सचर में इसे अच्छे से पका लिया। साथ में ये पेड़े पक के अच्छे से तैयार हो गए। तो अब मैंने इसका पानी निचोड़ लिया है तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करूँगी और दूध वाले मिक्सचर में डाल के इसको फ्रिज में रखेंगे और ठंडा करेंगे। तो दूध अच्छे से ठंडा हो गया, ये यानी कि इतना ठंडा है यानी कि नीम गर्म है, गर्म है थोड़ा, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं किया। तो अब हम इसमें तैयार की हुई रसमलाई शामिल करेंगे, डाल देंगे। तो मज़ेदार रसमलाई तैयार है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी तो जो ही ये ठंडी हो जाएंगी अच्छे से इसमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि दूध अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में ठंडा करूँगी। तो ये देखिए मज़े की रसमलाई हमारी तैयार है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब ये तैयार है। तो व्यूअर्स आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेल्दी मिल्की टेस्टी रसमलाई तैयार है।